उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की राजनीति के बयानों में जिन्ना और ओसामा बिन लादेन के जिक्र होने लगे तो सोचिए कि राजनीति में मुद्दों की जगह कहां पर है। एक महीने पहले अखिलेश यादव के दिए एक बयान पर सारी बीजेपी इस तरह से हमलावर है कि हर रोज नारों से लेकर भाषणों तक, सीएम से लेकर बूथ लेवल के वर्कर तक नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के रोज एक बयान दिया तो उत्तर प्रदेश की पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस कड़ी का नया हिस्सा हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश यादव जिन्ना तो क्या, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी आदर्श बता सकते हैं। आप देखिए, जिन्ना को वो आदर्श बता रहे हैं, कल ओसामा बिन लादेन को आदर्श बता सकते हैं केवल मुस्लिम वोट को लेने के लिए, और उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे, उनके साथ भी भला नहीं कर रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ, 15 साल से सपा बसपा ने जो स्कीम बंद रखी थी उन बच्चों को हमने पढ़ाई के लिए लोन दिया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अपने बयान में उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया कि वो जिन्ना को आदर्श बता रहे हैं, लेकिन अगर वक्त आया तो मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए ओसामा बिन लादेन को भी आदर्श बता देंगे। हालांकि सियासत में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, इसलिए अखिलेश ने हरदोई की सभा में 31 अक्टूबर के दिन जिन्ना और सरदार पटेल को लेकर क्या कहा था, आइए आपको वो बयान भी सुनाते हैं। वो जमीन को समझने के लिए तभी फैसला लेते थे, इसीलिए आयरन मैन के नाम से निकाले जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से निकाले जाते हैं। सरदार पटेल ही राष्ट्र नाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। नंदी अकेले नहीं है, वो जिस सरकार के मंत्री हैं उसके सरपरस्त सीएम योगी भी खुद अखिलेश को जिन्ना का अनुयायी बताकर भाषणों में ये कह चुके हैं कि प्रदेश को ये चुनना होगा कि वो जिन्ना के अनुयायियों को वोट डालता है या गन्ने की मिठास बढ़ाने वालों की सरकार बनाता है। भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। सीएम साहब के एक पद नीचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य तो ये भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना कर लेना चाहिए। मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख ले और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना ले। भले ही मोहम्मद अली जिन्ना का यूपी से कोई लेना देना ना हो, भले ही हिंदुस्तानी आम आदमी की एक बड़ी जमात में किसी को यह भी ना पता हो कि भारत और जिन्ना का कनेक्शन क्या है, लेकिन राजनीति और चुनाव के वक्त जिन्ना का नाम हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बनता है, ये सब जानते हैं। फिर ध्रुवीकरण की इस राजनीति से बीजेपी अछूत क्यों रहे, वो पार्टी विद डिफरेंस है, समाजवादी पार्टी भी अछूत क्यों रहे। अखिलेश यादव तो लैपटॉप और मोबाइल की बात करते हैं, लेकिन राजनीति की शब्दावलियों में मुद्दे नगण्य हैं। जिन्ना और पाकिस्तान के जिक्र से सब अपने अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है।